मैं मूल निवासी जय भारत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एक चैनल में जिसका नाम है एवन टीवी। एवन टीवी के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है खबरों का उड़न खटोला, जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की खबर। महाराष्ट्र के पुणे में भारत मुक्ति मोर्चा एवं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा का राज्य स्तरीय परिषद सम्मेलन का किया गया था विशाल आयोजन। इस विशाल अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मिश्राम ने की, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सहित समर्थकों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आज गुजरात में बामसेव और राष्ट्रीय मुलाशी महिला संघ का 31वां राज्य अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न, जिसकी अध्यक्षता बामसेव के राष्ट्रीय प्रचारक माननीय बीएल मातंग ने की। हजारों की संख्या में मौजूद बहुजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं बल्कि अधिवेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और ईवीएम की घेराबंदी, दर्जनों संगठन सड़कों पर। मामला भिंड जिले का है, जहां ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ बैलेट पेपर लाओ अभियान के तहत भारत मुक्ति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, बहुजन संगठन दल बीएसपी और बहुजन मुक्ति पार्टी ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। वहीं दूसरी ओर शराबबंदी को लेकर हुए लामबंद, मौके पर बीएमपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण प्रताप सिंह रहे मौजूद। बचाने के लिए सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से संगठन, कौन कौन सी पार्टी के समर्थित लोग हैं जो इसको हस्ताक्षर में शामिल हैं? अभी सिवनी में बामसेव के बैनर तले कैडर कैंप जोरों पर। कैडर कैंप के इस मौके पर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय मुलासी महिला संघ ने लिया हिस्सा। जानकारी के अनुसार कैडर कैंप समाज को जागृत करने के लिए चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर के झिझक में बामसेव एवं सभी आपसूट संगठनों का एक दिवसीय कैडर कैंप प्रशिक्षक के रूप में प्रदेश प्रभारी मान्य विकास चौधरी के सफल नेतृत्व में हुआ संपन्न। इस कैडर कैंप में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। जब बनारस में अफवाह बना बवाल का कारण, जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दो समुदायों में टला खूनी संघर्ष। मामला वाराणसी के सिगरा क्षेत्र का है, जहां अफवाह उस वक्त आफत बन गई जब दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए हवा उड़ा दी कि कब्रिस्तान की जमीन हो रही है कब्जा। बस देखते ही मामला गर्म हो उठा।